पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं। वे महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ी हुई आई। उसने यहां तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई है। वे बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या ये ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, ये है तो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ, असंतुष्ट ग्राहक में से एक चिल्लाया। मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। परिचारिका ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही थी? वे एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे हैं। वे कह रहे थे, अगर वे यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट है। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। ये केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज शेफ द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वे निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसी रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सईन वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी वे बहुत बीमार थी। जब वे बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वे काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी।
हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वे बीमार हो गई। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूँ। लेकिन मेरे पास केवल 10 की ये 17 नोट है। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए पूरा 1 पाउंड का लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वे एक डॉक्टर है। आपके पास में 17 नोट है और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो और क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वे महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवा उस फौजी दंपत्ति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था।